सो नॉक नीस मतलब कि जब आप दोनों पैरों को नजदीक लाते हो तब आपके नीस एक दूसरे को टच हो जाते हैं बट आपके एंकल्स टच नहीं होते। सो नॉक नीस होने के दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चरल केस, जहां पे आपका ये जेनेटिक रीजन की वजह से आपके जॉइंट स्ट्रक्चर ही इस तरह से अलाइंड है कि आपके दोनों नीस टच हो जाते हैं जब आप दोनों पैरों को नजदीक लाते हो। तो इन दैट केस आपके पास सर्जिकल ऑप्शन या फिर कोई मेडिकल असिस्टेंस ही एक सोल्यूशन होगा सो एज टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड द सीवियरिटी ऑफ द नॉक नीस। एंड द सेकेंड वन इज द फंक्शनल केस, जहाँ पे आपके कुछ मसल्स टाइट हो जाते हैं या कुछ मसल्स वीक रह जाते हैं। जनरली आपके एडक्टर्स जो है इनर थाई के मसल्स वो टाइट हो जाते हैं और आपके नीस को अंदर पुल करते हैं और आपके जो एक्सटर्नल रोटेटर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं या फिर आपको फ्लैट फीट भी हो सकता है जिसमें एंकल प्रोनेशन की वजह से आपके नीस अंदर की तरफ आ जाते हैं। और इस केस को आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हो बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रूटीन। अब आपका कौन सा केस है वो तो आपको एक्सरे एंड एमआरआई लेने के बाद ही समझेगा एंड बेस्ड अपॉन दैट एंड योर करंट सिम्टम्स एंड योर फ्यूचर गोल्स आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं।